सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 87वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब महर्षि मनु ब्राह्मण के लिए जप यज्ञ करने का निर्देश प्रदान कर रहे हैं कि ब्राह्मण अन्य कोई यज्ञ करे ना करे, लेकिन अगर वह जप यज्ञ प्राप्त कर लेता है तो वह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में जप यज्ञ की सर्वोत्कृष्टता को लिखित कर बताने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण के लिए जप यज्ञ बड़ा ही अनिवार्य तत्व है और इस यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण सभी प्रकार के यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह केवल इस जप यज्ञ को करने से भी प्राप्त कर सकता है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। जप यज्ञ की अनिवार्यता को प्रतिपादित कर महर्षि मनु क्या कह रहे उक्त श्लोक में, क्या कह रहे महर्षि मनु? जप्येन एव तु संसिद्धयेत् ब्राह्मणो न अत्र संशय, कुर्याद अन्यत न वा कुर्याद, मित्रो ब्राह्मण उच्यते। क्या कह रहे महर्षि मनु? जप्येन न एव तु संसिद्धयेद् ब्राह्मणो न अत्र संशयः, कुर्यात् अन्यत् न वा कुर्यात्, मित्रो ब्राह्मण उच्यते। जप यज्ञ की अनिवार्यता को प्रतिपादित कर महर्षि मनु उक्त श्लोक में जप यज्ञ को सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादित कर बता रहे हैं कि जप्येन न एव तु संसिद्धयेद् ब्राह्मणो न अत्र संशयः, कुर्याद् अन्यात् न वा कुर्याद्, मित्रो ब्राह्मण उच्यते। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, ब्राह्मणः अन्यत् कुर्यात् न वा कुर्यात्, तु जप्येन एव संसिद्धयेद् अत्र संशय न, मित्र ब्राह्मण उच्यते। किस तरह से ब्राह्मण मित्र ब्राह्मण कहलाता उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि ब्राह्मण अन्यत कुर्यात न वा कुर्यात, यानी ब्राह्मण अन्यत कुर्यात, यानी अन्य कोई यज्ञ कुर्यात न वा कुर्यात, अन्य कोई कार्य करे या अन्य कोई यज्ञ करे या न करे, लेकिन तू जप्येन, लेकिन वह तो जप्येन एव संसिद्धयेत्, किंतु वह जप यज्ञ के द्वारा ही संसिद्धयेत् का अर्थ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। किंचित अत्र संशयन, यानी इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है, शंका नहीं है, यानी ब्राह्मण कुछ करे ना करे, लेकिन अगर तू जप्येन एव संसिद्धयेत्, किंतु वह जप यज्ञ के द्वारा ही क्या कर लेता है, सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। इसी कारण से सह मित्र ब्राह्मण उचित, इसी कारण से वह मित्र ब्राह्मण कहलाता है। यानी महर्षि मनु ये बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण अन्यत कुर्यात न वा कुर्यात, यानी ब्राह्मण अन्य कोई कार्य करे या न करे, अन्य कुछ भी करे या न करे, लेकिन तू जप्यन एवं संसिद्धयेत अत्र संशय न, किंतु वह जप यज्ञ के द्वारा ही क्या कर लेता है, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अत्र संशय न, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, इस कारण से सह मित्र ब्राह्मण उचित, इसी कारण से वह मित्र ब्राह्मण कहलाता है। यानी ब्राह्मण आदि के लिए वेदों में सर्ग कामो यजेत इत्यादि श्रुति वाक्यों के अनुसार इनके लिए ज्योतिषोम आदि यज्ञों का विधान किया गया है। महर्षि मनु का मत यह है कि कोई भी ब्राह्मण स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए वैदिक यज्ञ करे अथवा न करे, किंतु यदि वह जप यज्ञ करता है तो निश्चय ही उस जप यज्ञ के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाती, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वैदिक यज्ञों में जीव हिंसा के कारण पुण्य के साथ पाप की भी प्राप्ति होती, किंतु जप यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को मात्र पुण्य की प्राप्ति होती, उसमें पाप नाम का किसी प्रकार का कोई तत्व विद्यमान नहीं होता, क्योंकि जप यज्ञ स्वयं पर आधारित जपों पर आधारित होता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का मित्र होने से वह मित्र ब्राह्मण कहलाता है। यानी महर्षि मनु ने मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण के लिए जप करने यज्ञ का कथन किया है, या जप यज्ञ की प्रशंसा की गई है, किंतु वैदिक यज्ञों का भी निषेध नहीं किया गया। मात्र यज्ञ न करने पर भी जप यज्ञ करने से ब्राह्मण को कोई हानि नहीं होती है, इसका कथन किया गया है। और जप यज्ञ में पूर्णतः हिंसा का अभाव रहता है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, यही बात महर्षि मनु उक्त श्लोक में बता रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं, क्या कह रहे महर्षि मनु? जप्येन एव तु संसिद्धयेद् ब्राह्मणो न अत्र संशयः, कुर्यात् अन्यत् न वा कुर्यात्, मित्रो ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण अन्यत् कुर्यात् न वा कुर्यात्, यानी ब्राह्मण अन्य कोई यज्ञ करे या न करे, किंतु तू जप्येन एव संसिद्धयेत्, किंतु वह जप यज्ञ के द्वारा ही
संसिद्धि यानी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अत्र संशय यानी इसमें किंचित भी लेस मात्र भी संशय नहीं है, अतः इस कारण से वह मेत्र ब्राह्मण उचित यानी इस कारण से वह मेत्र ब्राह्मण कहलाता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में जप यज्ञ की सर्वोत्कृष्टता को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 81वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु इंद्रियों को नियंत्रित करने का उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति का जितेंद्रिय होना बड़ा ही आवश्यक है, और अगर मनुष्य इस मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे अपने इंद्रियों को वश में करने का जो गुण है इस प्रकार से कर सकता है। इंद्रियों को नियंत्रित करके ही मनुष्य अपने मोक्ष प्राप्ति के उस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम अतिष्ठत विद्वान यन्तेव वाचिनाम। क्या करे महर्षि मनु? इंद्रिय नाम विचरताम विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम अतिष्ठत विद्वान यन्तेव वाजिनम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, विद्वान वाजिनाम यंता इव अपहारेषु विषयेषु विचरताम इंद्रियाणाम संयमे यत्नम अतिष्ठत। कब विद्वान वाजिनाम यानी विद्वान जो व्यक्ति है उनको वाजी, वाजी का अर्थ यहाँ पर वाजी नाम अश्व के संदर्भ में आया है ना, बहुवचन के संदर्भ वाजी नाम अश्व को है ना, तो विद्वान व्यक्तियों को वाजी नाम यानी अश्व के यंताम यानी अश्व यंता कर सारथी के संदर्भ में यानी अश्व को जो नियंत्रित करता है सारथी के संदर्भ में आया कि विद्वान वाजी नाम यानी विद्वान व्यक्तियों के अश्व के यंता इव, इव का अर्थ के समान यानी अश्व अश्व के सारथी के समान अपहारिषु, अपहारिषु का अर्थ आकर्षित करने वाली अपने तरफ खींचने वाली अपने तरफ आकर्षित करने वाले विषयेषु यानी ऐसे विषयों में विचरताम यानी विचरण करने वाली इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों को संयमे यत्नम अतिष्ठत यानी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यानी महर्षि मनु क्या बता रहे हैं कि विद्वान वाजीनाम यानी विद्वान व्यक्तियों को वाजीनाम यंताम यानी अश्वों के सारथी के समान अपहारिषु यानी अपनी तरफ आकर्षित करने वाले विषयेषु यानी ऐसे विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों को संयमे यत्नम अतिष्ठत यानी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए, उनका उपाय करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई सारथी अपने अश्वों को अपने नियंत्रण में लेकर उस अश्व गति को नियंत्रण में लेकर अपने रथ का संचालन करता है, क्योंकि अश्व को नियंत्रित करके ही कोई भी सारथी अपने अश्व सारथी जो है वह अपने रथ का संचालन बड़ी सुगमता और सरलता से तभी कर सकता है जब उसके अश्व उसके हाथ में नियंत्रित रहे, उनकी लगाम के द्वारा उनको नियंत्रित कर पाए। इसी तरह से व्यक्ति को अगर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है तो उसको जितेंद्रिय होना बड़ा ही आवश्यक उपाय बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति जितेंद्रिय होने के पश्चात ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर चढ़ पाता है। इसीलिए महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तियों को अपने इंद्रियों को काबू में रखने के पश्चात ही व्यक्ति इस मोक्ष रूपी मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसीलिए महर्षि मनु बता रहे कि विद्वान वाजीनाम यानी विद्वान व्यक्तियों को वाजीनाम यंता यानी अश्वों के सारथी के समान अपहारिषु यानी अपनी तरफ अपहारिषु यानी आकर्षित करने वाले विषयेषु यानी ऐसे विषयों में विचरताम इंद्रियाणाम यानी विचरण करने वाली इंद्रियों को संयम यानी समित करने का यत्नम अतिष्ठित यानी समित करने का प्रयत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि विषय मन तथा बुद्धि का अपहरण कर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये विषय मन तथा बुद्धि व्यक्ति को क्या करते हैं, इंद्रिया व्यक्ति का अपहरण कर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तथा इंद्रियों का स्वभाव होता है कि वे विषयों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनका भोग करना चाहते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय हुई तो वो किसी न किसी रूप सौंदर्य का अवलोकन करना चाहती है। इसी तरह से ग्रंथकार महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से कोई कुशल सारथी रथ में जूते हुए अश्व को अपने वश में रखता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्तियों को विषयों की तरफ भागने वाली अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्ति रूप लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में मोक्ष प्राप्ति हेतु जितेंद्रिय होने का प्रतिपादन किया है।
इंद्रियों के अश्वों से तथा विद्वान व्यक्ति की सारथी से उपमा दी गई, अतः उपमा अलंकार की छटा भी उक्त श्लोक में विद्यमान है और अनुष्टुप छंद तो पूरी मनुष्यमति में अनुष्टुप छंद में ही निबद्ध है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या करे महर्षि मनु, इंद्रिय नाम विचरताम विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम अतिष्ठत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। विद्वान वाजिनाम यन्ता, विद्वान यानी विद्वान व्यक्तियों को वाजिनाम यन्तामि यानी अश्वों के सारथी के समान अपहारिषु विशेषु यानी अपनी तरफ आकर्षित करने वाले ऐसे विशेषु यानी विषयों में विचरताम इंद्रिय नाम यानी विचरण करने वाली इंद्रियों को संयमे यत्नम अतिष्ठित यानी संयमित करने का यत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना है तो उसे जितेंद्रिय होना आवश्यक है, इंद्रियों को काबू में उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से रथ का सुगम संचालन करने के लिए कोई सारथी अश्वों को अपनी लगाम के द्वारा उनको वश में करने का प्रयास करता है। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुसंहिति के द्वितीय अध्याय का 89वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब एकादश इंद्रियों के कथन को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि जो इंद्रियों जो 11 जो इंद्रियां हैं कौन कौन सी है, किस तरह से उनका हम नियंत्रण कर जितेंद्रिय बन सकते हैं, तो उन इंद्रियों के संदर्भ में महर्षि मनु आगे वाले श्लोकों में बताएंगे। इस वाले श्लोक में उसके स्वरूप के संदर्भ में बता रहे हैं कि इंद्रियां कितने प्रकार की है उनके संदर्भ में महर्षि मनु ने बताने का प्रयास किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु, एकादश इंद्रियाणाम आहु यानी पूर्व मनीषिण तानी सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावत अनुप्रवशः। क्या कह रहे महर्षि मनु, एकादश इंद्रियाणि आहु यानि पूर्व मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावत अनुप्रवशः। उक्त श्लोकान्वय इस तरह से होगा, पूर्व मनीषिणः यानि एकादश इंद्रियाणि आहु तानि यथावत अनुप्रवशः सम्यक प्रवक्ष्यामि। पूर्व मनीषिणी, पूर्व कार्ते पहले के जो मनीषिणी है यानी प्राचीन मनुष्यों ने यानी जिन एकादश इंद्रियाणी यानी जिन एकादश का अर्थ 11 यानी जिन 11 जो इंद्रियां हैं कौन कौन सी, 11 इंद्रियों में जो 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिया है श्रोत्र तवक चक्षु जीवा और घ्राण और 5 हमारी कर्मेंद्रिया वाक पाणी पात पायु तथा उपस्थ और एक है मन, उन 11 इंद्रियों के बारे में बता रहे। कौन कौन सी 11 इंद्रिया, सबसे पहले 5 ज्ञानेन्द्रिया आ जाएगी, श्रोत्र तवक चक्षु जीवा और घ्राण आ जाएगी, फिर हमारी 5 कर्मेंद्रिया वाक पाणी पात पायु तथा उपस्थ एवं मन। इन 11 इंद्रियों को आहुत तानी यानी 11 इंद्रियों को कहा है तानी यथावत यानी उन इंद्रियों को में अनुप्रवश यानी यथा कर्म और सम्यक प्रवक्षण यानी सम्यक रूप से अब आपको अच्छी तरह से कहूंगा, उनके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से कर्मबद्धता के रूप में जानकारी प्रदान करूंगा। इस तरह से महर्षि मनु उक्त श्लोक में बता रहे, क्या बता रहे हैं कि पूर्व मनुष्य ने यानी प्राचीन ऋषि मुनियों ने जिन एकादश इंद्रिया यानी जिन 11 इंद्रियों को आहु यानी कहा है तानी यानी उन इंद्रियों को अपने यथावत यानी उचित तरीके से अनुप्रवश और कर्मबद्धता के द्वारा सम्यक प्रवक्षण यानी अच्छी प्रकार से अब आप लोगों के सामने उसका वर्णन करूंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। यानी महर्षि मनु अपने अन्य जिज्ञासु ऋषियों के संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जो विद्वान थे उन्होंने श्रोत्र तवक चक्षु जीवा तथा घ्राण इन 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा वाक पाणी पात पायु तथा उपस्थ इन 5 कर्मेंद्रिया एवं मन, इन 11 इंद्रियों का जो कथन किया है मैं अब आप ऋषियों के समक्ष इन सभी इंद्रियों का उचित रीति से क्रमशः कथन करूंगा। आप सभी लोग सावधान होकर और बड़े ही ध्यानपूर्वक इन सभी वृत्तांतों को ध्यान से सुनिए। इस तरह से महर्षि मनु ने इंद्रियों के उचित कर्म पर अधिक बल दिया है और यही बताने का महर्षि मनु का प्रयास है कि व्यक्ति जितेंद्रिय होकर ही व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते उसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु, एकादश इंद्रियाणि आहु यानि पूर्व मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावत अनुप्रवशः। पूर्व मनीषाणि यानि प्राचीन मनीषाणि यानि मनुष्यों ने ऋषि मुनियों ने यानि एकादश इंद्रियाणि यानि जिन 11 इंद्रियों को कहा है
आहुतानी यानी उन इंद्रियों को मैं यथावत यानी उचित रूप से और अनुपूर्वश सम्यक यानी बड़े ही अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से और यथाकर्म, अनुपूर्वश का होता है यथाकर्म और सम्यक यानी सम्यक रूप से उसी कर्म में प्रवक्ष्यामि यानी आपके सामने उसका बखान करूंगा, आपको अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। इस तरह से महर्षि मनु ने इस श्लोक में एकादश इंद्रियों के कथन को उल्लेखित करने का प्रयास किया है।